तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? अगर मान लो मटेरियल के अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मटेरियल क्या मतलब स्पेस में भी कहीं पे भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और तुमने क्या किया, एक एरिया लूप लेके तुम खड़े हो गए वहां पे, इमेजिनरी समझो, इमेजिनरी सरफेस लेके खड़े हो गए तुम, कोई भी इमेजिनरी या रियल कोई रिंग लेके खड़े हो गए, तो इस रिंग में से कुछ कुछ चार्जेस क्रॉस कर रहे होंगे, इज इट नॉट? सो लेट अस से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू नंबर ऑफ चार्ज इसको क्रॉस कर गया, तो फिर करंट क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, समझ गए? यानी एवरेज करंट हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, बेसिकली लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये हमारी करंट की डेफिनेशन है, ये सिंपल वर्ड्स में बोले तो किसी भी एरिया के थ्रू या पैच के थ्रू चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। ठीक है, तो ये बताओ करंट वेक्टर होगा या स्केलर होगा? करंट स्केलर होगा, क्यों? चार्ज एक स्केलर है, टाइम एक स्केलर है, चार्ज और टाइम का रेशियो है। ठीक है, तो देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ करंट एज सच। मतलब तुम लोग बोलोगे यार करंट की डायरेक्शन तो कुछ होनी चाहिए ना, भाई चार्ज नॉर्थ की तरफ जा रहा है या साउथ की तरफ जा रहा है या ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ जा रहा है, कुछ तो डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज चार्जेस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेफिनेशन का पार्ट होना चाहिए। इस तरह की बात है, क्या स्पीड, स्पीड की कोई डायरेक्शन होती है क्या? स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, नहीं तो वेक्टर की तरह से डिफाइन नहीं किया हम लोगों ने करंट। इससे रिलेटेड एक वेक्टर बाद में बात करेंगे हम लोग, समथिंग कॉल्ड करंट डेंसिटी वेक्टर, जहां पे एक डायरेक्शन की भी हम लोग बात करते हैं, बट करंट एज सच इट हैज गॉट नो डायरेक्शन, करंट इज अ स्केलर। समझ गए कि नहीं? क्योंकि चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, क्या लिखा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड करंट। इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसेस द सरफेस इन टाइम डेल्टा टी, वी डिफाइन एवरेज करंट एज आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो ये जैसे एरिया दिखाया, यहाँ से चार्जेस इसको क्रॉस करके जा रहे हैं, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, एंड इंस्टेंटेनियस करंट इज डिफाइंड एज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, जिसको डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं। ठीक है, अब ये करंट वरेंट की जो डेफिनेशन है ये तभी से चल रही है जब इंसान को पता भी नहीं था कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, तब से ये डेफिनेशन चल रही है। तो पहले ऐसा समझा जाता था कि पॉजिटिव चार्जेस चलते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली मेटल्स के अंदर नेगेटिव चार्जेस चलते हैं। तो लेकिन मेटल में क्या है, मेटल में जो फ्लो करता है वो क्या होता है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो कन्वेंशनल करंट को, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन डिफाइन कर चुके थे, तो इसका मतलब कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है करंट। ठीक है, तो हम लोग बार बार कहेंगे कि भाई करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है और चार्ज इसको भी कई बार ऐसे दिखा दूंगा कि इसी तरफ फ्लो कर रहे हैं, बट ऑलवेज हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल में जो फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है और जिस तरफ करंट में दिखा रहा हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। ठीक है, हाँ आयंस के अंदर हो सकता है जिस तरफ आयंस फ्लो कर रहे हो उस तरफ पॉजिटिव आयंस है, लेटर से जैसे तुम्हारी कैनाल रेज होती है ना, कैथोड रे ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस एक तरफ भाग रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ भाग रहे होते हैं, तो वहां पे हमारा करंट और चार्ज कैरियर्स की एक्चुअल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन होगी, बट अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी विल बी अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द आई मीन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। हम जो बोल रहे हैं अभी, मैं अभी बोल रहा कि वेक्टर नहीं है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट चार्ज फ्लो का जो दिख रहा है, दिखा देते हैं हम कि तार में इस तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है, बाकी इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। ठीक है, या फिर समझो कोई स्फीयर है, स्फीयर को इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर की तरफ क्रॉस करके जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि करंट इज एंटरिंग द स्फीयर। ठीक है, बट इज डेफिनेटली नॉट अ वेक्टर। मान लो कोई स्फेरिकल शेल है जिसको पार कर करके बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो अगर वेक्टर बोल देते तो फिर हम बोल देते जीरो है नेट करंट, लेकिन जीरो थोड़ी ना, सब तरफ से तो बाहर ही निकल रहा है, तो करंट इज पॉजिटिव अगर इट्स गोइंग आउटसाइड, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, करंट फिर बाहर जा रहा होगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने, इन मेटल्स करंट डेवलप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ अ बैटरी। तो ये करंट होता क्यों है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। तो यहाँ पे इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि कंडक्टर्स के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं, यही था ना आपने बोला था, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं और मूव करते करते कभी ना कभी स्टेशनरी स्टेट आ जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बात की थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बैटरी जो है स्टेशनरी स्टेट आने नहीं देती है, बैटरी क्या है, बैटरी जो है वो चार्जेस को सप्लाई करती है और उधर से ले भी लेती है, फिर चार्जेस को सप्लाई करती है इस तरह से ले भी लेती है, इस वजह से क्या है लगातार एक फ्लो बना हुआ है, तो बैटरी जो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन कर पाती है। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन एज सच, यहाँ पे चार्जेस लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके, क्या लिखा, इन मेटल्स करंट डेवलप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स मूव अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कन्वेंशनल करंट इज कंसीडर्ड टू बी इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लेफ्टवर्ड इट इज इक्विवेलेंट टू अ पॉजिट्रॉन मूविंग राइटवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग करंट। तो हम
पॉजिट्रॉन के हिसाब से उससे विजुलाइज करते हैं, ठीक है, एज ए पॉजिट्रॉन सा फ्लो, ठीक है। बाय द वे पॉजिट्रॉन क्या है, वही एक ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के बराबर ही उसका चार्ज, लेकिन साइन जस्ट ऑपोजिट है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉडल ऑफ कंडक्शन इन मेटल्स। तो ये किस तरह से कंडक्शन होता है उसको आप थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो सोचो अगर कोई भी बैटरी वैटरी कुछ भी नहीं लगा रखी मैंने मेटल के अंदर, तो क्या होगा, तो भी तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होंगे ही। इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बिहेव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर, तो उसी तरह से जैसे गैस पार्टिकल किसी चैम्बर में फ्री घूम रहे हैं, तो गैस पार्टिकल जब घूम रहे होते हैं फ्री तो उनके अंदर भी रैंडम थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं, कितनी होती है, हाफ केटी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ठीक है। तो ये दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर द एटम्स गैस, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द इलेक्ट्रॉन गैस, मतलब इलेक्ट्रॉन को गैस पार्टिकल्स की तरह समझ सकते हैं मेटल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन गैस की भी जो काइनेटिक एनर्जी है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, हाफ केटी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये हाफ केटी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। सोचो सेम काइनेटिक एनर्जी है लेकिन मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है प्रोटॉन के मास से, अच्छा खासा कम होता है, 1800 टाइम्स कम होता है या समथिंग लाइक दैट, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन्स, तो सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, समझ गए कि नहीं, स्पीड बहुत ही ज्यादा हो जाएगी सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए। मतलब इट टर्न्स आउट कि अगर कोई फील्ड नहीं भी लगाया हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 10^6 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर से ऐसे ही भाग रहे होते हैं इधर, समझ गए, तो दे आर लाइक, समझ गए कि नहीं, क्या किस क्या स्पीड है 10^6 मीटर पर सेकेंड, समझ सकते हो, मेटल के अंदर ऐसे रैंडमली टक 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 ऐसे रैंडमली इलेक्ट्रॉन भागते जा रहे हैं इतनी ज्यादा स्पीड से, हाफ केटी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से। लेकिन क्या है, क्योंकि इनकी स्पीड रैंडमली डायरेक्टेड है, तो अगर तुम मान लो मेटल के अंदर एक इमेजिनरी रिंग बना के बैठ जाओ, तो वो रिंग के थ्रू जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जाएंगे उतने ही राइट से लेफ्ट जाएंगे, तो इसलिए ओवरऑल करंट जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रैंडम नेचर ऑफ मोशन, राइट। तो अभी क्या होता है, बैटरी का काम कैसा है, तो इसको इमेजिन करने के लिए सोचो कि अभी मान लो मेरे पास एक बहुत लंबा कॉरिडोर है, ठीक है, बहुत लंबा इनफाइनाइट कॉरिडोर है थोड़ी देर के लिए मानो, और उस कॉरिडोर में बीच बीच में पिलर्स हैं मेरे, ठीक है, और इस कॉरिडोर के अंदर तुमने टेबल टेनिस बॉल्स उछाल दी, खूब सारी टेबल टेनिस बॉल्स हैं जो इधर से उधर टक 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 ऐसे बाउंस कर रही, रैंडमली बाउंस कर रही बहुत सारी, एंड देयर इज नो ग्रेविटी एज सच, एंड देयर मेकिंग इलास्टिक कोलिजंस हियर एंड देयर, नॉट इलास्टिक, समटाइम्स इलास्टिक समटाइम्स इनइलास्टिक, ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजंस आर हैपनिंग, रैंडमली ऐसे ऐसे करके कोलाइड करती जा रही बॉल्स, ठीक है। तो अभी क्या है, ओवरऑल ये जो कॉरिडोर है इसके अंदर आगे की तरफ बॉल स्पॉन्टेनियसली नहीं जा रही होंगी, अनलेस मैं यहाँ से कोई विंड चला दूँ, अगर मैं यहाँ से विंड चला दूंगा अगर इस कॉरिडोर में, तो अपार्ट फ्रॉम इधर उधर जो टक्करें लग रही हैं उसके अलावा क्या है, वो इनफैक्ट कॉरिडोर के अंदर समझो पिलर्स भी हैं, कुछ कुछ पिलर्स हैं, तो पिलर्स से भी टकराएंगी बॉल्स, लेकिन ओवरऑल क्योंकि हवा आगे की तरफ चल रही है तो दे विल आल्सो बी एडवांसिंग स्लोली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अपार्ट फ्रॉम दिस रैंडम कोलिजन लॉस। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडमली तो इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज आल्सो अ सुपरपोजिशन ऑफ अ नेट वेलोसिटी इन सर्टेन डायरेक्शन। तो अभी क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम की, तो थोड़ा सा क्वालिटेटिव आइडिया दे ही देता हूँ। तो होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन तो रैंडमली इधर उधर जा रहा है, अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन में जब कोलाइड करने वाला है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैपिटल ई है लेट अस से, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, कैपिटल इंटू स्मॉल ई फोर्स लगेगा, चार्ज इंटू फील्ड, राइट, और इलेक्ट्रॉन का मास एम है, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, ई ई बाय एम इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा, और दो टक्करों के बीच में मतलब टी टाइम लग गया इसको, एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में मान लो स्मॉल टी टाइम लैप्स हो गया, तो इस दौरान उसने वेलोसिटी कितनी गेन की होगी, ई बाय एम इंटू टी, इतनी वेलोसिटी गेन की होगी, और उसके बाद फिर टक्कर लग गई, टक्कर लगने के बाद हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है टक्कर लगने के बाद, ऑन एन एवरेज जीरो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन की टक्कर के बाद फॉरवर्ड हो, किसी की बैकवर्ड हो, किसी की लेफ्ट हो, किसी की राइट हो, किसी की ऊपर हो, पूरा यानी समझ गए 4π स्टेरेडियंस में किसी भी तरफ वेलोसिटी हो सकती है टक्कर के बाद, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऑन एन एवरेज दो टक्करों के बाद यानी एक टक्कर के बाद ऑन एन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो v = u + at होता है ना तुम्हारा, तो इसका मतलब क्या है, अगर दो टक्करों के बीच में टाउ टाइम लग रहा है तो कितना वेलोसिटी गेन करेगा अगली टक्कर के पहले, ऑन एन एवरेज e by m एक्सेलरेशन हो गया, v = u + at लगाया तो e by m इनटू टाउ इतना वेलोसिटी गेन करेगा, हम ठीक है नहीं, और एवरेज अगर निकालना है तो पिछली टक्कर के जस्ट बाद जीरो वेलोसिटी थी, अगली टक्कर के बाद भी जस्ट जीरो, लेकिन इसके बीच में मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी गेन की, e by m इनटू टाउ, तो इसका आधा जो हो जाएगा वो इसका एवरेज वेलोसिटी गेन हो जाएगा, समझिए कि नहीं। अब इसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर एवरेज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मीन रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, दो टक्करों के बीच का एवरेज टाइम। व्हाई इज इट कॉल्ड
रिलैक्सेशन टाइम मतलब ठीक है, किसी ने विजुलाइज किया होगा कि इलेक्ट्रॉन जब अभी ये क्या करता है, ये ऐसे घूम रहा है तो रिलैक्स करते हुए जा रहा है, ठीक है, फिर अचानक इसको कोई टपली मार देता है, फिर ये थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन हो जाता है, फिर उसके बाद फिर ये जा पड़ चुकी है, फिर रिलैक्स करने लगता है, फिर उसके बाद अगले टपली तक वेट करता है, समझ गए, इस तरह की चीज समझ में आ रहा है ना कि किस तरह का मॉडल है। तो देर इज सम रैंडम वेलोसिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^6 मीटर पर सेकेंड, और उसके अलावा कुछ डायरेक्टेड वेलोसिटी आती है, एंड इट टर्न्स आउट जो डायरेक्टेड वेलोसिटी बहुत ही छोटी होती है, किस ऑर्डर की होती है, डायरेक्टेड वेलोसिटी मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड या मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर, सेंटीमीटर भी शायद ज्यादा ही बोल रहा हूँ, मैंने लिखा हुआ आगे आ जाएगा, बट बहुत छोटी वेलोसिटी होती है। तो कहां तो रैंडम वेलोसिटी 10^6 मीटर पर सेकंड, और कहां छोटी सी डायरेक्टेड वेलोसिटी है इन द ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड। तो तुम लोगों को सोचने में लग सकता है कि यार ये मिलीमीटर पर सेकंड है, तो फिर तो मैंने स्विच ऑन किया और 1 मीटर लंबी तार है, तो मेरे को तो 1000 सेकंड लग जाएगा इधर से उधर करंट पहुंचने में। लेकिन क्या है, जो सॉकेट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको उस पार से नहीं निकलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो थ्रू आउट द तार इमीडिएटली जनरेट हो गया, तो उस साइड से जिस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है वो तो वहीं पे बैठा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे जाएगा लेकिन उस एंड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इमीडिएटली बाहर निकल जाएगा, समझ नहीं बात की। तो दैट्स व्हाई द करंट अपीयर्स टू बी कमिंग इंस्टेंटेनियसली। वैसे हाँ ये बात सही है कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो ऑन एन एवरेज इसको कितना टाइम लग जाएगा इधर से उधर निकलने में, ऑन एन एवरेज इसको अगर 1 मिलीमीटर पर सेकेंड तो ऑब्वियसली 1 मीटर की तार कवर करने में उसको 1000 सेकेंड्स लग जाएंगे, समझ में आई बात की। तो आई होप समझ में आ रहा है कि मॉडल क्या है हम लोगों का इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का। तो ये सारी बातें, इसमें कुछ मैथमेटिक्स भी है, तो उन सब चीजों को धीमे धीमे करके देखते हैं। जल्दी से पढ़ देता हूँ क्या लिखा मैंने। तो मॉडल ऑफ कंडक्शन इन मेटल्स क्या लिखा मैंने, इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक गैस पार्टिकल्स इन रैंडम थर्मल मोशन सच दैट देयर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय के इज इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है, 1/2 mv², ये होगा ऑन एवरेज, वेयर टी इज द टेंपरेचर, आरएमएस स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन गैस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 100 द वेलोसिटी ऑफ लाइट, समझ गए, ओके, ऑफ द ऑर्डर बेसिकली 3×10^8 होती है वेलोसिटी, तो 1/300 भी मोर लाइक इट, बट ये ऑर्डर है तो इसलिए कोई बात नहीं, उसी तरह से बोलते हैं ऑर्डर के लिए, ठीक है। The electrons are in constant random motion and there is an average total charge, zero charge. Average total charge crossing any section of conductor is zero. समझते हैं ना? इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, सब zero हो गया on an average. Okay. However, when a field is created in the conductor, it accelerates the electron. Though after some time, electrons collide with the lattice points and among themselves, and the velocities get randomized again. ठीक है? तो इधर उधर जाते जाते बीच बीच में टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद फिर वो वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि बच्चे दौड़ लगा रहे हैं और दौड़ लगाते लगाते किसी को अड़ंगी दे दी बीच में, ठीक है, तो वो गिर पड़ा नीचे, फिर अपने कपड़े झाड़ के फिर खड़ा होता है, फिर दौड़ लगाता है, फिर उसके बाद फिर कोई अड़ंगी दे देता उसको, फिर कपड़े झाड़ के खड़ा होता है, समझ गए, इस तरह की चीज चल रही है। ओके ओके, द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज बिगिन टू एडवांस, I again wrote on an average by a velocity of order of few millimeter per second to few centimeter per second. ये drift velocity इसको कहते हैं हम लोग। तो drift velocity का जो order होता है ये होता है millimeter per second to centimeter per second. ठीक है, बहुत छोटी drift velocity होती है। This velocity is known as drift velocity. So I hope this is clear to everybody. समझ में आया सभी को किस तरह का model है? अच्छा यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रॉन की velocity millimeter per second नहीं हो जाती, इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलॉसिटी मिलीमीटर पर सेकेंड होती है। तो मतलब है क्या, एक्चुअली तो थर्मल वेलोसिटी बहुत बड़ा वेक्टर है, थर्मल वेलोसिटी 10^6 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का वेक्टर है, इस वेक्टर में एक छोटा सा वेक्टर समझ लो ऐड हो रहा है ऑन एन एवरेज, तो वो जो है वो हमारा मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी बहुत तेजी से चल रहे हैं, ठीक है, बट थर्मल वेलोसिटी पे जो सुपरपोज हो रहा है यानी जो डायरेक्टेड वेलोसिटी वो हमारी बहुत ही छोटी सी है। क्लियर, समझ में आई बात? लैटिस पॉइंट्स जो मैंने लिखा हुआ है, लैटिस पॉइंट्स का मतलब क्या है, जहां पे पॉजिटिव चार्जेस है, बेसिकली न्यूक्लियस नहीं मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो न्यूक्लियस अपनी जगह से मतलब ठीक है थोड़ा बहुत बायस हो सकता है, बट देयर इज नो बल्क मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस भी मूव नहीं करता है, और इनफैक्ट इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स भी मूव नहीं करते, मेटल्स के अंदर जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे मूव करते हैं, सोडियम में मेरे ख्याल से 1 नियन प्लस 1 होता है ना सोडियम, हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन हर सोडियम एटम के अंदर एक 1 इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेटिंग इन दिस कंडक्शन, ठीक है, जो क्रिस्टल में इधर से उधर जा सकता है, बाकी अदर इलेक्ट्रॉन्स दे आर बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस ओनली, दे आर नॉट फ्री टू मूव। ऐसे एल्यूमिनियम है तो इट इज आई थिंक नियन प्लस 3 होता है ना, तो एल्यूमिनियम में पर एटम देयर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन्स विच विल बी फ्री टू मूव लाइक दिस इन द लैटिस, समझ गए, ऐसे हर एक एटम के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर डिपेंड करता है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर एटम, ठीक है। सो लैटिस पॉइंट मतलब वही है, तो लैटिस पॉइंट से टकराने का मतलब क्या, किसी न्यूक्लियस के फील्ड में आ गया, एक्चुअली तो क्या है तुम्हें पता है
कि क्वांटम मैकेनिक्स गवर्न करती है कि कोई इलेक्ट्रॉन कहां पे जा सकता है और नहीं जा सकता। तो तुम्हें पता है कि अगर कॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर तुम्हारा कोई फील्ड शेल है उसके अंदर अगर कोई और इलेक्ट्रॉन घुसने की कोशिश करे तो क्वांटम मैकेनिक्स फॉरबिड्स इट, राइट। सो इवन इफ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट ऑर्बिटल या कुछ भी है तो वो क्वांटम मैकेनिक्स उसको फॉरबिड कर देगा। इसी तरह के फोर्सेस लगते हैं जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, समझ गए कि नहीं। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टू नो हैव टू मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। सो इफ सम इलेक्ट्रॉन इज ट्राइंग टू पुश इट्स वे थ्रू तो वो किसी तरह से इस तरह से मतलब यूनिवर्स में कोई फिजिक्स के लॉज ही हैं जो गवर्न करते हैं कि उसके अंदर नहीं घुसना अलाउड है, ठीक है नहीं। वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का अपना स्पेस है, उसके अंदर किसी तीसरे को आने के आने देते नहीं थे, ठीक है। तो देयर इज अ रिपल्शन लाइक दैट, समझ गए कि नहीं। इज दिस क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है हमारी, वही जो मैंने बोला था कि जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो इनफैक्ट ज्यादातर हम लोग रैंडम वेलोसिटी को भूल के ही काम करेंगे, हम लोग खाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में सोचेंगे। रैंडम वेलोसिटी होती तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके इफेक्ट्स को ही हम यहाँ पे अभी कंसिडर नहीं कर रहे। तो मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है यहाँ पे और यहाँ पे लोकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है और ये जो मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है तो क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर भी इस तरफ है। तो एरिया वेक्टर पैरेलल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिया देखिए, ठीक है। एरिया पैरेलल तो नहीं बोला मैंने, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो मैं पता है गॉस लॉ में हम देख चुके हैं किस तरह से एरिया वेक्टर होता है। एरिया की नॉर्मल जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल है। तो इस तरह की सिचुएशन है हमारी, ठीक है। अब यहां पे मैं जानना चाहता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में मेरा करंट कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। तो फ्री चार्ज कैरियर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे कंडक्टर में, बट क्योंकि फॉर्मूला मेरा मेटल्स के लिए नहीं खाली आयंस फ्लो के लिए भी, तो एन मेरा या नॉट जस्ट आयंस, इट्स ऑल्सो ट्रू फॉर सेमी कंडक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है या मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है तो उसके लिए भी हमारा करंट का फॉर्मूला ट्रू है, इसलिए मैंने चार्ज कैरियर्स बोला। तो आयंस या तो आयंस की डेंसिटी हो जाएगी, आयंस की आयंस का अगर फ्लो है पॉजिटिव चार्ज आयंस या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसलिए मैंने चार्ज कैरियर बोला ताकि जनरलिटी रहे, बट अभी समझो चार्ज कैरियर्स का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इन द कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ कंसिडर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ऐसे करके ऐसे कोई क्रॉस सेक्शन समझो, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि या ये क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन को कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाएंगे पर यूनिट टाइम, ये जानने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। ओके तो हम क्या बोल सकते हैं, इन अ टाइम डी टी द चार्ज कैरियर्स एडवांस बाय डिस्टेंस वी डी इंटू डी टी। वी डी मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और डी टी टाइम है, तो वी डी टी होगा ना और आगे जितना बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एवरेज, तो वी डी डी टी मेरे लेंथ आगे चले जाएंगे। तो कितना वॉल्यूम, मतलब सोचो कितना वॉल्यूम स्वीप हो जाएगा। तो ये अगर क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से वी डी डी टी डिस्टेंस पहले तक ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इसको क्रॉस करके आगे जा चुका है ऑन एन एवरेज, हम ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या, ये जो मैंने पर्पल वॉल्यूम दिखा रखी है, इस वॉल्यूम के अंदर जो भी चार्जेस हैं वो इसको इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके आगे चले गए। तो मैं क्या करूंगा, ये वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ए इंटू वी डी डी टी वॉल्यूम होगा इसकी, ओके। और इसको स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएगा, और फिर एक चार्ज एक कैरियर का चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चार्ज पता चल जाएगा कि टोटल चार्ज कितना है। इतना चार्ज जो है वो मेरा डी टाइम में आगे क्रॉस कर गया, तो पर यूनिट टाइम उसको डी टी से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट टाइम निकल जाएगा, ठीक है। ये लिखा तो क्या लिखा, इन अ टाइम डी टी द चार्ज कैरियर्स एडवांस बाय डिस्टेंस वी डी डी टी, दस द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शन ए परपेंडिकुलर टू वी डी इज ए वी डी डी टी इंटू एन, ठीक है ना। ये समझ में आया ना, ये वॉल्यूम लिखा और ये नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम लिखा, तो ये क्या हो गया, दिस इज द नंबर ऑफ चार्जेस विच इज क्रॉस्ड, राइट। नाउ इफ ई इज द चार्ज ऑफ ईच चार्ज कैरियर, द चार्ज क्रॉस्ड इन टाइम डी टी इज गिवन एज डी क्यू इज इक्वल टू एन ए वी डी डी टी, तो ऑलरेडी था इसको ई से और मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक। तो इतना मेरा चार्ज आगे चला गया, तो फिर चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। एन इज द पार्टिकल डेंसिटी, चार्ज कैरियर डेंसिटी, ई क्या है चार्ज ऑफ ईच चार्ज कैरियर, और ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, और वी डी क्या मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या आ गया, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, समझ गए ना ये, ठीक है। क्या लिखा, Extending the above analysis to elemental areas in arbitrary orientations, we can write the elemental current through a patch ds vector as nea ne vd dot ds। अच्छा ये बताने की जरूरत है इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे ऐसे करके मान लो इसके अंदर करंट जा रहा है, इस तरह का काम हमने गॉस लॉ में भी कुछ किया था कि ओब्लिक काट दें, या फ्लूइड फ्लो में भी हमने देखा था ओब्लिक काट देंगे तो हमारा जो फ्लो है वो उतना का उतना ही रहता है। तो सोचो ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसके थ्रू कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि ये मेरा इंक्लाइंड क्रॉस सेक्शन जो मेरा डीएस है, और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन फिर क्या हो जाएगा, डीएस कॉस थीटा हो जाएगा। सोचो ये डायरेक्शन और इसका ये जो इंक्लाइंड पैच है इसकी एरिया नॉर्मल में और ये डायरेक्शन में थीटा एंगल बन रहा है, तो अगर ये इंक्लाइंड पैच का एरिया डीएस है तो फिर इसको मैं डीएस कॉस थीटा बोल सकता हूँ, राइट।
और मुझे पता है अगर करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो जितना भी करंट मेरा ये जो ये पर्पल कलर के पाथ से फ्लो कर रहा है उतना ही मेरा वर्टिकल ये डॉटेड सर्कल से भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस करंट को लिख सकता हूँ डीआई जो होगा, अगर इसका एरिया डीएस है तो एन ई एरिया की जगह लिखेंगे डीएस कॉस थीटा, ठीक है ओके, एन ई ए एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी राइट। अब ये डीएस कॉस थीटा क्या है, डीएस कॉस थीटा इज नथिंग बट ये डीएस वेक्टर का एन कैप से डॉट प्रोडक्ट इज इट। तो जो करंट हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, करंट मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम एन ई एंड डीएस वेक्टर एंड डॉट एन कैप, यही हो जाएगा ना, बोलो फिर एन कैप ये नॉर्मल के लिए मैंने यूज किया, ठीक है। तो अब पर यूनिट तो समझ गए, तो ये मेरा डी आई हो जाएगा, समझ में आई बात के लिए। तो इसी को अब एन ई वी डी वेक्टर जो है मेरे, इसको मैंने करंट डेंसिटी वेक्टर बोल दिया, ठीक है। तो जे डॉट डी एस हो जाएगा, समझ में आई बात के लिए। तो क्या लिखा है देखो, एलिमेंटल करंट थ्रू एन एलिमेंटल पैच डी एस वेक्टर इज डी आई इक्वल टू एन ई वी डी डॉट डी एस वेक्टर, समझ में आया कि नहीं। वी डी डॉट डी एस वेक्टर करोगे तो दिख रहा है ना, एन ई वी डी डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी एन ई वी डी, ये जो अभी ये क्वांटिटी जो है हमारी एन ई वी डी वेक्टर, इस क्वांटिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इस क्वांटिटी को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, इसकी डायरेक्शन भी है राइट। द क्वांटिटी एन ई वी डी वेक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी वेक्टर जे, जे के ऊपर वेक्टर साइन लगाया, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं इसको, ओके। दस वी कैन राइट द करंट थ्रू एलिमेंटल पैच एज नथिंग बट डी आई इक्वल टू जे डॉट डी एस, समझ गए। तो करंट क्या है, करंट भी फ्लक्स है, किसका, करंट डेंसिटी वेक्टर का फ्लक्स है राइट। डॉट डीएस कर देते तो फ्लक्स बन जाता है ना, जैसे ई डॉट डीएस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होता है, वी डॉट डीएस जो फ्लो रेट होता है तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वो क्या वेलोसिटी वेक्टर का फ्लक्स है। तो यहाँ पे जे डॉट डीएस क्या है हमारा, जे डॉट डीएस हमारा करंट डेंसिटी वेक्टर का फ्लक्स है। तो करंट इज नथिंग बट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द करंट डेंसिटी वेक्टर। बाय द वे एक और फ्लक्स देखा था हम लोगों ने, किसका, उमोव वेक्टर देखा था साउंड एनर्जी में राइट। इंटेंसिटी को वेक्टराइज किया था ना लोगों ने, इंटेंसिटी क्या था हमारा, एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके साथ डायरेक्शन अटैच कर दी थी, तो दैट बिकेम इंटेंसिटी वेक्टर, उमो वेक्टर भी इसको हमने बोला था, याद करो साउंड वेव्स में मैंने इंट्रोड्यूस किया था, याद है ना, एक क्वेश्चन किया था टू स्टॉर्म्स के साथ, तो मैंने विजुलाइज कराया था, ठीक है। तो वहां पे क्या था हमारा, एनर्जी फ्लो रेट वॉज योर फ्लक्स एसोसिएटेड विद उमो वेक्टर या पॉइंटिंग वेक्टर। तो इसी तरह से यहाँ पे करंट क्या है, यहाँ पे चार फ्लोर है, वहां पे एनर्जी फ्लो रही थी, कहीं पे वाटर फ्लो है, कहीं पे फील्ड फ्लो है, ठीक है। तो फ्लक्स का मतलब है फ्लो, समझ गए। तो करंट इज नथिंग बट फ्लक्स एसोसिएटेड विद करंट डेंसिटी वेक्टर। करंट डेंसिटी वेक्टर कैसे डिफाइंड है, एन ई वी डी वेक्टर, वेयर वी डी इज द लोकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया सभी को। हाँ बाय द वे करंट की जो यूनिट है वो होती है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर्स में मेजर करते करंट, और करंट डेंसिटी ऑब्वियसली फिर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा, फिर करंट पर यूनिट एरिया है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए डेंसिटी है, तो कैन भी पर यूनिट एरिया ऑल्सो, लीनियर मास डेंसिटी पर यूनिट लेंथ भी होती है, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं, तो पर यूनिट एरिया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ओके। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं करंट डेंसिटी वेक्टर की। तो करंट डेंसिटी वेक्टर कैसे डिफाइंड है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द लोकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। कहीं पर भी अगर तुम देख रहे हो तो चार्जेस का फ्लो हो रहा है, कोई भी मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे जैसे मर्जी ऑर्डिनेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड्स कर रखें, तो वहां पे चार्जेस का कुछ फ्लो हो रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऑन एन एवरेज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगी, तो जिस तरफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर अपना एक इमेजिनरी सर्फेस लेके खड़े हो जाओ, तो उस सर्फेस को क्रॉस कर करके जा रहे होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया का मतलब समझे, जिस तरफ वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर मुझको होल्ड करना है, या फिर एरिया शुड बी पैरेलल। तो इस तरह से हमारा करंट डेंसिटी वेक्टर डिफाइंड है, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, व्हेन यू आर होल्डिंग द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एंड डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। बाय द वे इलेक्ट्रॉन्स के लिए इट विल बी ऑपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की अगर लेफ्ट की तरफ होगी तो करंट मेरा राइट की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। बट हम बोल देते हैं कि चार्ज कैरियर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और चार्ज कैरियर को बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी डेफिनेशंस इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी से पहले की चल रही होंगी, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द लोकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर, ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द लोकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ इफ एन एरिया डीएस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एलिमेंटल करंट थ्रू इट इज गिवन एज डीआई इज इक्वल टू एनी वीडी इनटू डीएस, ठीक है। तो J क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी एस, और ये एन ई वी डी वेक्टर हो गया, ठीक है। वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोली थी, समझ में। तो दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई मीन नॉट करंट डेंसिटी वेक्टर, ओके, क्लियर है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस सी चीज है, मतलब इन द सेंस की
किताबें इसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं देती हैं, ठीक है। बल्कि एच सी वर्मा सर की बुक में एक फॉर्मूला 2 के फैक्टर से ऑफ है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं डेराइव करूंगा करेक्ट फॉर्मूला थोड़ी देर बाद, बट वो 2 के फैक्टर से ऑफ है। एच सी वर्मा सर की बुक में है ईई बाई 2m इनटू टाउ करके ऐसे एक फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसे क्या टर्म्स है वो मैं बताऊंगा, बट एक्चुअली दिस में 2 इन द डिनोमिनेटर, इट शुड बी ईई बाई m इनटू टाउ, ठीक है। लेकिन क्या है कि इतनी मिस्टीरियस चीज है कि जो ओरिजिनल पर्सन था, पॉल ड्रूड नाम था उसका, द पर्सन हु गेव द मॉडल फॉर करंट फ्लो, तो वो ही हिमसेल्फ वाज ऑफ बाय फैक्टर ऑफ 2 इन फैक्ट, ठीक है। बाद में ड्रूड के मॉडल में कुछ कुछ लोगों ने सोचा और कई करेक्शंस हुए, लेकिन पुराने रिसर्च पेपर्स में भी जहां तक मैंने पढ़ा वो 2 के फैक्टर से ऑफ रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ही मिस्टीरियस है जो क्या कहते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम, तो इसको थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ कि पर्सेल क्या बोलता है इसके बारे में। मैंने नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है, रीड इट इन अ व्हाइल, मैं पहले बता देता हूँ पहले। तो मीन रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या है, रिकॉल दैट अपार्ट फ्रॉम अ डायरेक्टेड ड्रिफ्ट द चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर आर ऑल्सो अंडरगोइंग रैंडम कोलिशन, ठीक है। आफ्टर एवरी रैंडम कोलिशन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑल्सो गेट्स रैंडमाइज्ड हुज एवरेज वैल्यू इज जीरो, ओके। द मीन टाइम इलाप्स सिंस द लास्ट कोलिशन फॉर चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड द मीन रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे मैंने कैसे डिफाइन किया, अब मेरे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स है, लेटर से फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हर इलेक्ट्रॉन से पूछो हाँ भाई तेरे को लास्ट कोलिजन कब हुआ था, तो बोलेगा इतने टाइम पे हुआ था, तेरा लास्ट कोलिजन कब हुआ था, तो हर कोई बताएगा कि लास्ट बार कब उसकी कोलिजन हुई थी, ठीक है। अब मैंने टेबल बना लिया, पहले इलेक्ट्रॉन का इतने टाइम पहले कोलिजन हुआ, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ऐसे करके आई विल गेट अ टेबल, राइट। अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने हर एक इलेक्ट्रॉन से जब पूछ लिया कि कितने कितने टाइम पहले कोलिशन हुआ था, तो नाउ आई टेक द एवरेज ऑफ ऑल दोज वैल्यूज, इफ आई टेक द एवरेज ऑफ ऑल दोज वैल्यूज आई विल गेट सम एवरेज, तो वो जो एवरेज है वो मेरा क्या है, वो मीन रिलैक्सेशन टाइम, समझ गए। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन किया मैंने, एवरेज ऑफ द टाइम इलैप्स सिंस द लास्ट कोलिशन, ओके, किसी भी इंस्टेंट पे एवरेज टाइम इलैप्स सिंस द लास्ट कोलिशन, ये मेरा मीन रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, ओके। अभी ये मीन रिलैक्सेशन टाइम की एक डेफिनेशन तो मैंने दे दी, ठीक है। इसके अलावा एक डेफिनेशन और जो चलती है वो भी करेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन उस डेफिनेशन को देते ही तुम लोग बहुत बुरी तरह कंफ्यूज होने वाले, और उसको मैं अपने लेवल पे थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर नहीं अच्छे से समझ में आता है तो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको, आराम से धीमे धीमे करके ये सेटल होता है दिल में, लेकिन अपनी तरफ से मैंने खुद से जो फंस फंस के सोचा है एग्जाम्पल वो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है, जिससे मेरा तो दिल कन्विंस हो गया फाइनली, ठीक है। तो क्या है दूसरी डेफिनेशन, मैंने क्या लिखा, हाँ ये डेफिनेशन तो क्लियर है ना, टाइम इलैप्स मीन टाइम इलैप्स सिंस द लास्ट कोलिजन। हियर इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम पर्सेल एंड मोरियंस बुक अबाउट मीन रिलैक्सेशन टाइम दैट माइट अपीयर सरप्राइजिंग, कंफ्यूजिंग एंड इवन शॉकिंग। तो क्या है वो स्टेटमेंट, देखो क्या बोलता है, यू मे थिंक एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन वुड हैव टू बी इक्वल टू द सम ऑफ एवरेज टाइम सिंस द लास्ट कोलिजन एंड एवरेज टाइम टू द नेक्स्ट। तुम लोगों को क्या लग सकता है कि मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन, अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था, मीन टाइम इलैप्स सिंस द लास्ट कोलिजन, तो मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन का भी एक टेबल बना सकता हूँ, इससे पूछूं उसमें तेरा पिछला कोलिजन कब हुआ, ठीक है, अगला कोलिजन कब होगा, तो इन सब का भी मैं कोलिजन टू कोलिजन में टाइम्स का एक टेबल बना सकता हूँ कि नहीं, तो मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन का भी एक टेबल में बना सकता हूँ। तो तुम लोगों को क्या लग सकता है सोचने में कि मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन शुड बी द सम ऑफ मीन टाइम इलैप्स सिंस द लास्ट कोलिजन एंड मीन टाइम रिमेनिंग फॉर द नेक्स्ट कोलिजन, ऐसा तुम लोगों को लग सकता है, ठीक है, पर्सेल ऐसा बोल रहे, लग सकता है क्या, सब लोगों को लग ही रहा है इनफैक्ट प्रॉब्ली इस टाइम पे कि हाँ भाई बात तो सही है, मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजन शुड बी द सम ऑफ मीन टाइम इलैप्स सिंस द लास्ट कोलिजन मीन टाइम रिमेनिंग फॉर द नेक्स्ट कोलिजन, ठीक है, बहुत लॉजिकल लगता ही है, ठीक है, एकदम कन्विंस हो जाता हूँ। यानी जब मैं बहुत दिन परेशान रहा था, 2-3 दिन परेशान रहा था जब ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी पर्सेल की, उसके बाद मैं 2-3 दिन परेशान रहा था, बहुत टीचर्स को मैंने फोन लगाया और फिर कुछ मतलब ठीक है अच्छे से कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर मुझे मिला नहीं, तो खुद ही मैं परेशान रहा 2-3 दिन। तो मैं आगे बोलता हूँ कि क्या बोल रहा है पर्सेल, क्या लिखा, यू मे थिंक द एवरेज टाइम बिटवीन कोलिशंस वुड हैव टू बी इक्वल टू द सम ऑफ एवरेज टाइम सिंस द लास्ट कोलिशन एंड द एवरेज टाइम टू द नेक्स्ट, मतलब जितना बीत गया और जितना और होने वाला, इन दोनों का सम होना चाहिए। दैट वुड बी ट्रू इफ कोलिजन अकर्ड एब्सोल्युटली एट रेगुलर इंटरवल्स, बट दे डोंट, कोलिजन रेगुलर इंटरवल पे नहीं होते, इनफैक्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पता नहीं तुम लोगों ने कॉम्बिनेट्रिक्स में प्रोबेबिलिटी अभी पढ़ा है कि नहीं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पढ़ लिया तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में, आगे पढ़ोगे। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है कि कोई इवेंट अगले कितने टाइम बाद होगा उसका इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं कि अभी सिस्टम की क्या कॉन्फिगरेशन है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल मैं बताता हूँ कि सपोज यू आर रोलिंग डाई, ठीक है, तुम डाई को बार बार रोल कर रहे हो, तो व्हेन यू विल गेट द नेक्स्ट 6 इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद व्हाट यू गॉट जस्ट नाउ,
अभी तुम्हारा वन आया तो फिर सिक्स आने में कुछ रोल्स लगेंगे तुमको, ठीक है। और अभी सिक्स भी आया तो भी जो ऑन एन एवरेज जितने रोल्स लगेंगे नेक्स्ट सिक्स आने में, उसका इस बात से कुछ लेना देना नहीं कि ऑलरेडी तुम्हारे अभी जस्ट नाउ सिक्स आया था, ठीक है ना। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, व्हेन द नेक्स्ट इवेंट विल अकर हैज गॉट नथिंग टू डू विद व्हेन द प्रीवियस इवेंट अकर्स, ठीक है ना। सो इफ यू जस्ट रोल्ड अ सिक्स, डोंट थिंक कि अभी अभी तो सिक्स आ गया तो अब बहुत टाइम बाद ही सिक्स आएगा, दैट्स नॉट, आई मीन दैट्स गैम्बलर्स फैलेसी काइंड ऑफ, ऐसा नहीं है। सिक्स के बाद इमीडिएटली भी सिक्स आ सकता है एंड इट्स इक्वली प्रोबेबल, चाहे अभी थ्री आया चाहे फोर आया फाइव आया कुछ भी नंबर आया, अगला सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। इट्स एग्जैक्टली वन बाई सिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू जस्ट नाउ रोल्ड अ सिक्स, ठीक है ना। तो ये मतलब होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। कोरिलेटेड इवेंट्स क्या होते हैं, मान लो मेरा कोई ऐसा स्पेशल डाई है जो कि इस ऑर्डर में ही मतलब रोल कर रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब इस ऑर्डर में ही अगर रोल कर रहा है तो देन यू नो दैट अभी सिक्स आया तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा अगला सिक्स आने में। इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, डिपेंडेंट इवेंट्स होते, समझ गए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है कि अगली बार जो इवेंट होने वाला उसका इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि अभी क्या इवेंट हुआ, समझ गए। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को मान लो अभी अभी टकली मार पड़ी है, ठीक है, कोलिजन हुआ, मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ कि इसको मान लो अभी अभी इसने अभी अभी झापड़ खाया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नेचर की इतना काइंड हो कि अच्छा बेचारे को अभी भी झापड़ पड़ा तो थोड़ी देर और रिलैक्स करने दो इसको, उसको इमीडिएटली झापड़ पड़ सकता है दोबारा से, ठीक है ना। और हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसको बहुत देर से कोई झापड़ नहीं पड़ा उसको बहुत देर तक और झापड़ नहीं पड़ रहा, तो नेचर इज नॉट वेरी काइंड टू द इलेक्ट्रॉन्स और क्रूएल टू द इलेक्ट्रॉन्स, और मे बी यू कैन से इट्स वेरी काइंड एंड वेरी क्रूएल, समझ में आई बात की नहीं। तो व्हेन द नेक्स्ट कोलिजन विल हैपन हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट इलेक्ट्रॉन हैज जस्ट नाउ एक्सपीरियंस द कोलिजन, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट, समझ में आई बात की नहीं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब समझते हो ना फर्क क्या है। सो डाई इज एन रोलिंग द डाई, सो वेटिंग फॉर एनी नंबर इज, आई मीन यू आर वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, बट दीज इवेंट्स आर नॉट कोरिलेटेड इवेंट्स, ठीक है नहीं, समझ गए। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो पर्सेल क्या बोल रहा है कि तुम लोगों को लग सकता है कि मीन टाइम एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन विल बी द सम ऑफ एवरेज टाइम इलाप्स सिंस द लास्ट कोलिजन एंड एवरेज टाइम रिमेनिंग फॉर द नेक्स्ट कोलिजन, ठीक है ठीक है। तो दैट वुड बी ट्रू इफ द कोलिजन अकर्ड एट एब्सोल्युटली रेगुलर इंटरवल्स, बट दे डोंट, रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं हो रहे कोलिजन, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम इवेंट्स एंड फॉर सच द अबव स्टेटमेंट पैराडॉक्सिकल एज इट मे सीम एट फर्स्ट इज ट्रू, एक मिनट, दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम इवेंट्स एंड फॉर सच द अबव स्टेटमेंट पैराडॉक्सिकल एज इट मे सीम एट फर्स्ट इज ट्रू, थिंक अबाउट इट, द क्वेश्चन डज नॉट अफेक्ट अवर मेन कंक्लूजन बट इफ यू अनरावल इट यू विल हैव ग्रोन इन स्टैटिस्टिकल विजडम। इतना बोल के छोड़ दिया उसने कि जिस दिन तुम लोगों को ये बात समझ में आएगी तुम लोगों को स्टैटिस्टिकल विजडम डेवलप हो जाएगी, ठीक है। एंड एक्सरसाइज, अच्छा ये सब तो ठीक है। हिंट क्या, इफ कोलिजन वन कोलिजन डजंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अनदर, दैट्स व्हाट इंडिपेंडेंट मींस, इट कांट मैटर वेदर यू स्टार्ट द क्लॉक एट सम आर्बिट्री टाइम और एट द टाइम ऑफ अ कोलिजन। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि एक्चुअल में क्या है कि मीन टाइम एलाप्स सिंस, ये तीनों क्वांटिटीज एक्जैक्टली बराबर होती हैं, ये दोनों का सम नहीं होता है, मतलब मीन टाइम एलाप्स सिंस द लास्ट कोलिजन एंड मीन टाइम रिमेनिंग फॉर द नेक्स्ट कोलिजन एंड मीन टाइम बिटवीन द टू कोलिजन, ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज एक्जैक्टली इक्वल होती हैं, ठीक है। ये क्यों इक्वल होती है, इसको मैंने बताया ना, तीन दिन परेशान रहा था तो उसके बाद मैंने थॉट एक्सपेरिमेंट क्या किया कि लेट अस से तुम डाई रोल करते जा रहे हो, ठीक है, रैंडम रोल्स करते जा रहे हो डाई के एंड यू आर मेकिंग एन एक्सेल टेबल, वन टू सिक्स रैंडम नंबर जनरेट करते जा रहे हो, यू आर मेकिंग एन एक्सेल टेबल, क्या क्या कुछ भी सीक्वेंस में आएंगे नंबर्स। अब तुम क्या डिसाइड करते हो, तुम लेट अस से सिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो तुम सिक्स से सिक्स तक का कुछ गैप देखोगे कि ये सिक्स है, सिक्स से सिक्स तक कितना टाइम लगा, फिर सिक्स से सिक्स तक कितना टाइम लगा, फिर सिक्स से सिक्स तक कितना टाइम लगा, फिर सिक्स से सिक्स तक कितना टाइम लगा। तो ये किस तरह की बात होगी, ये जो हम मेजर कर रहे हैं ये क्या है, ये हम टाइम बिटवीन टू कोलिजन, समझ लो सिक्स करेस्पॉन्ड्स टू कोलिजन इवेंट, तो कोलिजन टू कोलिजन टाइम हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो सिक्स टू सिक्स, सिक्स टू सिक्स, सिक्स टू सिक्स, ये हम टेबल बना के देख रहे हैं कि कितना कितना रोल्स लग रहे हैं, ठीक है। तो आई विल गेट सम एवरेज वैल्यू, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सम रैंडम नंबर टू सिक्स मैं टेबल बना रहा हूँ, मान लो किसी भी रैंडम नंबर पे एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया और उससे देखा कि अगला सिक्स कब आ रहा है, रैंडम नंबर टू सिक्स, रैंडम नंबर टू सिक्स, रैंडम नंबर टू सिक्स, ये मैं टेबल बनाते जा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, रैंडम नंबर टू सिक्स मतलब क्या है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम से अगले कोलिजन तक का मैं समझ लो एवरेज टाइम देख रहा हूँ। तो व्हाट यू विल सी कि किसी भी रैंडम टाइम पे अगला सिक्स आने का जो एवरेज टाइम होगा That will be same as the average time between two collisions. समझ में आई बात की नहीं, डाई की एनालॉजी से मेरे को समझ में आया, आई होप तुम लोगों को भी थोड़ा सा फील आया होगा, नहीं आया तो फिर दैट्स द बेस्ट एक्शन टू थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना, तुम भी दो तीन दिन शायद परेशान रहो, बट आई थिंक मेरे से तो थोड़ा कम परेशान रहो क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत सोच चुका हूँ, ठीक है। चाहो तो एक्सेल शीट में तुम लोग टेबल बना के देख सकते हो ये चीज, समझ में आई बात की नहीं।
तो रैंडम नंबर से 6 का अगर वेट करोगे तो भी ऑन एन एवरेज उतना ही टर्न्स लगेंगे, ठीक है। और 6 से कोई पर्टिकुलर रैंडम नंबर सोचोगे तो उसका भी वही उतना ही टाइम लगेगा। मतलब समझो वापस एक रैंडम नंबर का टेबल है, अब 6 से मान लो पहला टेस्ट में तुम्हारे 1 है तो 6 से 1 तक का कुछ नंबर ऑफ रोल्स लगेगा, ठीक है। फिर देखोगे अगले 6 से फिर 2 का कितना लग रहा है, ऐसे करके रैंडम नंबर का तुम देख रहे। तो सो द नंबर ऑफ रोल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम अ रैंडम नंबर टू अ 6 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 6 टू अ रैंडम नंबर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोल्स रिक्वायर्ड फॉर 6 फ्रॉम 6 टू 6। समझ में आई बात की नहीं? तो ऑल दी 3 क्वांटिटीज आर इक्वल, सो एवरेज टाइम इलास्ट सिंस द लास्ट कोलिजन इज इक्वल टू एवरेज टाइम रिमेनिंग फॉर द नेक्स्ट कोलिजन इज इक्वल टू द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है। तो ये सब सोचने में मैं 3 दिन परेशान रहा था, लेकिन फाइनली आई फिगर्ड इट आउट, ठीक है। एंड आई होप आई हैव मेड इट अ लिटिल इजियर फॉर यू, लेकिन हो सकता है अभी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, तो फिर थोड़ा सा सोचना या फिर यू डू सम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यू कैन जस्ट जनरेट एन एक्सेल टेबल और उसके अंदर तुम देखोगे तो थोड़ा सा फील आएगा तुम लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात मेरे को बड़ा चैलेंजिंग लगा कि द डे क्या लिखा, यू विल हैव ग्रोन इन, द क्वेश्चन डज नॉट अफेक्ट अवर मेन कंक्लूजन बट इफ यू अनरैवल इट यू विल हैव ग्रोन इन स्टैटिस्टिकल विजडम। ये सेंटेंस मैंने जिस दिन पर्सेल में पढ़ा बहुत परेशान हो गया था मैं, मेरा दिमाग खराब चेक तो ऑब्वियस यार इन दोनों का सामना होना चाहिए जो है, ठीक है ना। तो बट देन डिस्कशन के बाद कुछ मेरे को मिला नहीं, लेकिन अपने दिमाग से 2-3 दिन सोचा तो ये फिगर आउट किया, ठीक है। इतना भी पता नहीं, अब रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये इतना भी ग्रेट नहीं है, लेकिन ठीक है उस टाइम पे तो परेशान हो ही गया था मैं बहुत ज्यादा, ठीक है। नहीं समझ में आई बात की नहीं, आई होप कुछ समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो ये समझ में आया तो फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। क्या लिखा मैंने, हियर द ऑथर इज रेफरिंग टू द फैक्ट दैट मीन रिलैक्सेशन टाइम इज ऑल्सो द एवरेज टाइम इलास्ट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस which is also equal to the mean time elapsed since the last collision and also equal to the mean time remaining for the next collision. वही बात जो मैंने बोली ना, ये तीनों बराबर हैं, इनकी averages बराबर है because they are independent events. अगर dependent event होते तो in fact mean time since the last collision would have been exactly half of mean time between two collisions. अगर ये dependent events होते, जैसे मैंने बताया ना ऐसा डाइए जो 1-6 उस order में roll कर रहे हैं, तब ये बराबर होते, ठीक है। Okay, okay, also equal to the mean time remaining. हाँ, तो आगे मैंने अपनी कहानी लिखी है, दिस स्टेटमेंट रियली पेन्ड मी एंड केप्ट मी डिस्टर्ब्ड फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज, हाउएवर इफ यू थिंक केयरफुली कैन अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ रोलिंग अ डाइस, ठीक है, समझ गए। तो वही बात लिखी, सपोज यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इवेंट ऑफ रोलिंग अ 6, द मीन नंबर ऑफ रोल्स रिक्वायर्ड टू गेट द नेक्स्ट 6 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर दैट यू जस्ट नाउ रोल्ड, प्लस मीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग नेक्स्ट 6 इज सेम एज सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर यू जस्ट रोल्ड अ 6 और एनी अदर रैंडम नंबर, ठीक है। वही बात जो मैंने अभी बोली, ठीक है। Thus, mean rolls between 6 and next 6 is same as mean number rolls from an arbitrary time to next 6. Mean relaxation time is governed by thermal velocity of electrons. Recall that thermal velocity is of the order of 10⁶ meter per second, while drift velocity is in millimeter per second. With increase in temperature, mean relaxation time decreases due to frequent collision. So, ये थोड़ी नई बात की है। मैंने क्या बोला? अच्छा, mean relaxation time की अब पता चलेगी ना, दो definitions हैं। You can either define it as time elapsed, mean time elapsed since the last collision, or you could also define it as मीन टाइम बिटवीन टू कोलिजंस, दोनों ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैंने यहाँ पे क्या लिखी, मीन रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, राइट। थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन तेज तेज चल रहे हैं, और तेज तेज चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी टकराएंगे। बेसिकली समझो कि जो भी तुम्हारा वीडियो है उसका बना लिया, जो पार्टिकल्स कोलिजन का वीडियो, अब उस वीडियो को तुम फास्टर प्ले करोगे तो कोलिजन भी जल्दी जल्दी दिखाई देंगे, इज इट नॉट। But increasing in temperature is like basically making that video play faster, right? 2x पे play कर दिया, 1.5x पे play कर दिया। समझ में आई बात नहीं? तो collisions जो है मेरे जल्दी जल्दी बनते, effect of temperature समझ में आना, mean relaxation time will reduce with increase in temperature. I hope this much is clear to everybody. इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं relation between electric field and drift velocity. तो electric field और drift velocity में क्या relation है, ये हम लोग निकालते हैं। कैसे, क्या लिखा मैंने, कंसिडर ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सैंपल देख रहे हैं हम लोग, और मान लेते हैं ui जो है इनिशियल वेलोसिटी है ith इलेक्ट्रॉन की जस्ट आफ्टर द प्रीवियस कोलिशन। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का कोलिशन कभी कभी तो हुआ होगा, तो लास्ट कोलिशन के जस्ट बाद मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ui वेक्टर है, समझ गए। मैंने बोला था एवरेज वैल्यू इसकी जीरो, बट इसका ये मतलब नहीं, इंडिविजुअल वेलोसिटी तो कुछ हो ही सकती है, तो कोई इलेक्ट्रॉन टकराया, टक्कर के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी क्या, ui is the initial velocity, yani velocity just after the previous collision, just after the previous collision velocity is ui vector, okay, ui be the velocity of ith electron just after the previous collision, and let ti be the time
इलाप्स सेंस इज लास्ट कोलिजन, तो टीआई टाइम बीत चुका है, पिछला कोलिजन हुआ। तो बाय काइनेमैटिक्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम क्या कहते हैं, v इक्वल टू u प्लस at होता है। तो v i ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे कितनी होगी, वो क्या हो जाएगी, यू आई प्लस ए टाइम्स टी आई। समझ में आ गई बात की नहीं, v इक्वल टू u प्लस at लगा दिया, पिछला कोलिजन के बाद यू आई वेलोसिटी थी और उससे टी आई टाइम बीत चुका है, तो v इक्वल टू u प्लस at लगा दिया, तो यही हो जाएगी मेरी ith इलेक्ट्रॉन की इस इंस्टेंट पे स्टिक। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया मैंने, ee by m into t लिख दिया, समझ गए। एक्सेलरेशन क्या होगा, ee by m होगा ना, बाय द वे यहां पे अभी पॉजिट्रॉन फ्लो ही समझ लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो की जगह पॉजिट्रॉन फ्लो की तरह विजुलाइज कर। तो ee by m into t ये मेरा at लिख दिया बेसिकली। अब ये मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया सारे इलेक्ट्रॉन्स का, राइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर आ गया सारे इलेक्ट्रॉन्स का। अब इसके ऊपर एवरेज लगाना है मुझे, तो बाय द वे एंगुलर ब्रैकेट्स का मतलब एवरेज होता है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज ऑफ vi वेक्टर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ui वेक्टर का एवरेज प्लस ee by m into ti वेक्टर का एवरेज, नॉट वेक्टर, ti इसका स्केलर है, ti का एवरेज, राइट, समझ में आई बात की नहीं। और ui की एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या लिखा, सिंस वेलोसिटी गेट्स रैंडमाइज्ड आफ्टर एवरी कोलिजन, तो ऑन एन एवरेज ui वेक्टर की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, ui वेक्टर विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ द ui वेक्टर विल बी जीरो। और ti वेक्टर की एवरेज वैल्यू क्या है, तो अभी अभी मीन रिलैक्सेशन टाइम ऐसे ही डिफाइन किया ना हमने, एवरेज ऑफ द टाइम इलाप्स सिंस द लास्ट कोलिजन, मैंने जान के यही वाली डेफिनेशन दी है, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द टाइम एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन, बट यहाँ पे ये क्या डेफिनेशन यूज की, इसमें लगाने के लिए क्या डेफिनेशन यूज की मैंने, मीन टाइम इलाप्स सिंस द लास्ट कोलिजन, तो क्या हो गया, ee by m into tau, तो tau मेरा क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वही एच सी वर्मा सर की किताब में यहाँ पे ee by 2m into tau लिखा हुआ है, ठीक है, वो ऑब्वियसली गलत है, वो कब होता, अगर ये नेचर काइंड होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो फिर ऐसा होता है, इस बेचारे को अभी भी झापड़ पड़ा है, ठीक है, बेचारे का थोड़ी देर तो मजा लेने तो जिंदगी का, ठीक है, उसके बाद अगला झापड़ पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं तो रैंडम इवेंट है, समझ गया कि नहीं, ठीक है। तो यही लिखा मैंने, एच सी वर्मा सर्स बुक गिव्स वी डी इक्वल टू ई बाई टू एम यू टाउ विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अभी ये क्या है मैंने लिखा, इट इज कमिंग फ्रॉम अ हिस्टोरिकल एरर कमिटेड बाय पॉल ड्रूड who proposed a model for conduction metals but was off by a factor of 2 in his analysis. तो original बंदा ही जिसने propose किया था वही 2 के factor से off हो गया था इस पूरी process में, ठीक है, काफी fine point है, मतलब कोई it's not a big thing, मतलब one can easily make that mistake, इतना आसान नहीं है इसको visualize करने, ठीक है। we would get a factor of 2 in the denominator if the electron collisions were not independent, अगर independent नहीं होते तो फिर ऐसा हो जाता, फिर क्या होता, फिर mean time elapsed since the last collision would be half the mean time between two collisions, तब वो बात हमारी correct हो जाती, ठीक है। With increase in temperature, drift velocity decreases due to the reduction in mean relaxation time. तो ये बात समझ में आ गई होगी दोनों comments, कोई discussion है तो बोल सकते हो। इसके बाद हम लोग define करते हैं resistance. तो resistance कैसे defined है, देखो, the ratio of potential difference and current through a conductor is called resistance, ठीक है। अगर V मेरा potential difference है, I current है, तो इन दोनों का ratio का हम resistance कह देते हैं। If the current is directly proportional to voltage applied, we call such conductors as ohmic conductors. Mathematically, R is equal to V by I. Here, V is the voltage applied across the conductor. I is the current through the conductor. So, there is a category of materials जहाँ पे voltage बढ़ाने से current जो proportionately बढ़ता है. मतलब voltage जब double कर दी तो current भी double हो जाएगा. तो इस तरह के materials को हम क्या कहते हैं? Conductors कहते हैं. Ohmic conductors कहते हैं. क्योंकि ये V by I इनका कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस जो है ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना करंट पे डिपेंड करती है। इसी तरह की बात है, जैसे कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना वोल्टेज पे डिपेंड करती है, उनका रेशियो जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। इसी तरह से एक जो कैटेगरी है मटेरियल्स की जहां पे वोल्टेज और करंट का रेशियो बस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह के मटेरियल्स को क्या कहते हैं? ओमिक कंडक्टर्स। बट नॉट ऑल कंडक्टर्स आर ओमिक कंडक्टर्स। हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स के अंदर थोड़ा अजीब सा बिहेवियर हो सकता है, स्पेशली there is something called doped semiconductors. Doped semiconductors क्या होता है, दो अलग अलग तरह के मटेरियल से बनता है, तो उसमें क्यों ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, वो सारी बात हम लोग बाद में जब semiconductors पढ़ने तक करेंगे। बट yes, there are materials which do not follow ohm's law. Voltage बढ़ाने से current जो proportionately नहीं बढ़ता, non linear graph आ सकता है voltage versus current का, ठीक है, okay, ठीक है। in the next section we shall show that metals are ohmic conductors at room temperature. तो अगले section में हम लोग prove करने वाले हैं metals जो होते हैं वो room temperature पे ohm's law को follow करते हैं। We can create non-ohmic conductors by doping the semiconductors, which we will study in great detail in the later chapter. तो electronic devices करके आएगा, semiconductors and electronic devices, उसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि non-ohmic behavior क्यों होता है, ठीक है। तो समझ में आया, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं discussion, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ohm's law की।
तो ओम्स लॉ को मैं प्रूव करने वाला हूँ, यानी वोल्टेज अपॉन करंट जो है मेरा कांस्टेंट होगा कंडक्टर के लिए, मेटल्स के लिए कांस्टेंट होगा, ये मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा मैंने, कंसिडर अ मेटालिक कंडक्टर कैरिंग करंट एज शोन। तो ये कोई मेटालिक कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है मेरा, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा है मेरा। ओके, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर ई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एल इसकी लेंथ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई इंटू एल हो जाएगा। बोलो, वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, वही हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप जो है, तो क्या हो जाएगा ई इंटू एल, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस, राइट। अच्छा, करंट क्या होगा, वो एन ई ए इंटू वी डी, ये अभी अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले, करंट एन पार्टिकल डेंसिटी है, ई चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल है, ए एरिया, और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ठीक है, अब मैंने क्या किया, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन निकाला मैंने पिछले सेक्शन में, तो उसको क्या डाल दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाज ई ई बाय एम इनटू टाउ, तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डाल दिया ई ई बाय एम इनटू टाउ। ओके, तो अब ये क्या हो गया मेरा, इसका मतलब आई क्या हो गया, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इनटू ए वी बाय एल, समझ में आया होगा क्या किया, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, तो वी बाय आई क्या आ गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इनटू एल बाय ए, ये आ गया मेरा। अब यहां पे ध्यान से देखो ये क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, एम तो क्या मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हाट इज एन, एन इज द फ्री चार्ज डेंसिटी, फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी। तो एन किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एल्यूमिनियम का क्रिस्टल समझो, तो एल्यूमिनियम के कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, क्या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, और हर एटम पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो स्मॉल एन जो है वो क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम के लिए एन की कुछ और वैल्यू होगी, कॉपर के लिए एन की कुछ और वैल्यू होगी, सोडियम के लिए अलग होगी। तो एन इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटीरियल, राइट। मास कॉन्स्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कॉन्स्टेंट है हमारा एक गिवन मेटल के लिए। ई क्या है, ई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कॉन्स्टेंट है, इज इट नो। टाओ क्या है, टाओ है मीन रिलैक्सेशन टाइम, एक गिवन टेम्परेचर पे मीन रिलैक्सेशन टाइम भी मेरा कॉन्स्टेंट होता है। क्यों, मीन रिलैक्सेशन टाइम किस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितने फास्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन रिलैक्सेशन टाइम जो है, तुम लोग सोचोगे कि यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो स्पीड थोड़ी बढ़ गई, लेकिन कितना बढ़ गई, अगर ऐसे 10^6 मीटर पर सेकंड पे चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और उसको 1 मिलीमीटर पर सेकंड एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे दी किसी डायरेक्शन में, तो क्या ही फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। तो करोड़पति आदमी को 1 रुपया दे दोगे तो ये थोड़ी ना बोलेगा कि आई एम नॉट, आई एम 1 करोड़ 1 पति, ऐसा नहीं बोलेगा, समझ गया कि नहीं, स्टिल द करोड़पति होंगे। तो समझ गए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मीन रिलैक्सेशन टाइम पे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, नथिंग, समझ गए, इट्स नथिंग। तो मीन रिलैक्सेशन टाइम तो वही 10^6 मीटर पर सेकंड से जो रैंडमली चल रहा है उसके हिसाब से मीन रिलैक्सेशन टाइम मेरा बना हुआ, तो एक गिवन टेम्परेचर पे मीन रिलैक्सेशन टाइम इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, राइट। सो दिस होल फैक्टर इज अ कॉन्स्टेंट, राइट। एल क्या है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एक गिवन कंडक्टर की लेंथ कॉन्स्टेंट ही है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर। और ए क्या है, मेरा एरिया ऑफ द कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, ये भी कॉन्स्टेंट है, मान लो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इमेजिन करो। तो क्या समझ में आया, तो वी बाय आई मेटल के लिए क्या हो गया, वी बाय आई की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ गई, समझ में आई बात की नहीं, वी बाय आई बिकम्स अ कॉन्स्टेंट फॉर द मेटल्स, राइट। ठीक है, तो ठीक है, क्या लिखा, तो नाउ इन दिस एक्सप्रेशन इट कैन बी इजीली सीन दैट आर एच एस इज अ कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर ऑफ अ गिवन डायमेंशन एंड अ मटेरियल। हियर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटल, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ इज द मीन रिलैक्सेशन टाइम व्हिच इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेंपरेचर फॉर अ गिवन मेटल, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो हमारा ओम्स लॉ प्रूव हो गया कि मेटल्स जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ओके, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, उसका क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे देखो, ये जो मेरे पास एक एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ का फैक्टर है, तो यहाँ पे देखो ये आया था ना एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, तो ये हमारा मटेरियल डिपेंडेंट टर्म है, राइट, मटेरियल की प्रॉपर्टी है एट अ गिवन टेम्परेचर। तो इस वाले टर्म को हम क्या कह देते हैं, इस वाले टर्म को रेजिस्टिविटी कह देते हैं, ठीक है, दिस टर्म इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। ओके, तो क्या लिखा, द फैक्टर एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ दैट वी ऑब्टेन ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी नोन एज रेजिस्टिविटी। तो रो मेरा क्या हो जाएगा, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, और कंडक्टिविटी कैसे डिफाइंड है, 1/ρ, सिग्मा इज 1/ρ व्हिच इज एनी स्क्वायर टाउ बाय, इसी का रेसिप्रोकल लिख दो, ठीक है। ठीक है, तो वही मैंने बोला था हम लोगों के सारे सिंबल्स तो ओवरलोड हो गए, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी नहीं है यहां पे, ठीक है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी है। अच्छा, इसकी इसकी जो कंडक्टिविटी, इनफैक्ट तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का उल्टे को हम कंडक्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम्स, ठीक है, और कंडक्टिविटी की यूनिट होती है सीमेंस, या फिर मोस भी बोलते हैं, MHO, ओम को ये उल्टा कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा कंडक्टिविटी आ गया। ओके, यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी वी कैन राइट वी बाय आई को मैंने अभी क्या लिख दिया, रो एल बाय ए लिख दिया, ठीक है। तो और जिसको मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी प्रिज्मेटिक कंडक्टर इज गिवन एज आर इक्वल टू रो एल बाय ए,
प्रिज्मेटिक कंडक्टर क्यों बोल रहा हूँ, प्रिज्मेटिक कंडक्टर का क्या मतलब होता है, प्रिज्म क्या होता है, कोई भी एरिया बना दो और उसी के पैरेलल उतना ही एरिया ऊपर रख दो, ठीक है, और इसको लाइन से ऐसे ऐसे करके जोड़ दो तो प्रिज्म जैसा बन जाता है, समझ गए कि नहीं। तो नॉर्मल जो प्रिज्म है तुम्हारा ट्रायंगुलर प्रिज्म तुमको मिलता है, ऐसे प्रिज्मेटिक मतलब सिलेंडर या सर्कुलर प्रिज्म, समझ गए, कोई भी पॉलीगन बना दो उसको ऊपर रेज कर दो, स्वीप कर दो स्पेस में, दैट फॉर्म्स अ प्रिज्म। तो यहाँ पे रो एल बाय ए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रिज्मेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो एरिया वेरिएबल हो जाएगा, जैसे कोन है तो कोन इज नॉट अ प्रिज्म, इट्स अ पिरामिड, सर्कुलर पिरामिड, तो यहाँ पे तो एरिया अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाएगा। प्रिज्मेटिक कंडक्टर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, प्रिज्मेटिक कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, रो एल बाय ए, वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ में आई बात की, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंडक्टर मतलब समझ गए ना, क्यूब इज अ स्क्वायर प्रिज्म कह सकते हो, स्क्वायर प्रिज्म क्यूब जो है, या और ज्यादा लंबा कर दोगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा, दैट कैन बी अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, क्यूबॉइड इन जनरल इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, समझ गए ना। तो प्रिज्मेटिक कंडक्टर्स के लिए हम लिख सकते हैं रो एल बाय ए, यहाँ पे ध्यान रखना एल और ए किस डायरेक्शन में मेजर करने, मतलब जैसे मान लो क्यूबॉइड ही है लेट अस से, तो क्यूबॉइड की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो जब तक हम बताएंगे नहीं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हम निकाल नहीं सकते। एल क्या है, एल वो डायरेक्शन की डायमेंशन है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ए क्या है, ए मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया उस करंट फ्लो के परपेंडिकुलर, समझ गए। तो आप ऐसे अगर कोई क्वेश्चन है कि ए बाई बी बाई सी का क्यूबॉइड है इसकी रेजिस्टेंस निकालो, तो ये मीनिंगलेस क्वेश्चन हो जाएगा, अनलेस आई स्पेसिफाई कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो ए बाई बी वाले एरिया में फ्लो कर रहा है या बी बाई सी वाले में फ्लो कर रहा है या सी बाई ए में फ्लो कर रहा है, ये बताना पड़ेगा, उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो एल इज द डायरेक्शन, इज द डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, एंड ए इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, तो ये बात समझ में आई सभी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी, तो ये रिलेशन निकालते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो देखो क्या लिखा, रिकॉल द एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन्ड फॉर आवर इन आवर डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, आई क्या था मेरा NEAVD, राइट, तो ये क्या हो गया था NEA और VD को E by M into tau डाला था, वही काम जो अभी थोड़ी देर पहले किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये अच्छा, अब करंट डेंसिटी निकालना है तो क्या करोगे, I upon A कर दोगे, तो करंट डेंसिटी क्या आ जाएगा मेरा E into NE square tau by M आ जाएगा, समझ गए, ये करंट डेंसिटी आ गया, समझ में आ रही होगी बात, देख लो एक बार, समझ में आई बात कि नहीं। अब ये क्या है बेसिकली, ये NE square tau by M जो है ये बेसिकली रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी जो था M upon NE square tau था नहीं, समझ में आई बात के नहीं। तो ये क्या लिखा हुआ, ये E by rho लिखा हुआ, ओके, तो rho क्या है M upon NE square tau, तो J क्या आ गया मेरा, J is equal to E by rho, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी, ये करंट डेंसिटी हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन साथ में लगानी है तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। बाय द वे वापस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आइसोट्रोपिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, आइसोट्रोपिक कंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, मतलब जैसे ज्यादातर तो मटेरियल्स आइसोट्रोपिक ही होते हैं, जैसे कॉपर का कोई क्रिस्टल है तो कॉपर का क्यूबॉइड ही मान लो, तो इस तरफ जितना रेजिस्टिविटी होगी इस डायरेक्शन में उतनी इस तरफ भी होगी रेजिस्टिविटी, इस तरफ उतनी इस तरफ भी होगी, तो इस तरह के कंडक्टर्स को हम आइसोट्रोपिक बोलते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एनीवे आइसोट्रोपिक, और जेई में हम डील भी आइसोट्रोपिक से ही करने वाले हैं, ऑल्दो देयर कैन बी एनआइसोट्रोपिक कंडक्टर्स, एनआइसोट्रोपिक कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी विल बी डिफाइंड एज पर द डायरेक्शन, मतलब ये हो ही सकता है कि x एक्सिस के लॉन्ग रेजिस्टिविटी रो वन है और y एक्सिस के लॉन्ग रेजिस्टिविटी रो टू है और z एक्सिस के लॉन्ग रेजिस्टिविटी हमारी रो थ्री है, उस केस में रेजिस्टिविटी जो है मतलब किसी पॉइंट पे रेजिस्टिविटी डिफाइन नहीं कर पाएंगे इन लोग, हमको डायरेक्शनली डिफाइन करनी पड़ेगी। इसी तरह की बात है जैसे स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस भी प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो इलास्टिसिटी में देखा था, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस नहीं डिफाइन कर सकते अनलेस वी डिफाइन द प्लेन, हमने इंक्लाइन प्लेन कर दिया था तो उसके ऊपर अलग स्ट्रेस आया था, याद करो एक क्वेश्चन किया था 45 डिग्री प्लेन पे मैक्सिमम स्ट्रेस आता है, देखा था, तो स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, इसी तरह से रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड कर जाएगी उस केस में एनआइसोट्रोपिक मटेरियल में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जेई में वी डोंट हैव टू डील विद एनआइसोट्रोपी, ऑल्दो पाथफाइंडर के अंदर चैलेंज में एक क्वेश्चन है जो डाउट्स क्लास में कभी मैं ले लूंगा, जिसमें एनआइसोट्रोपिक रेजिस्टिविटी दे रखी है, यानी एक तरफ अलग दे रखी है एक तरफ अलग दे रखी है, तो उस केस में क्या होगा, जिस तरफ जो रेजिस्टिविटी है तो इस तरफ करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, जे एक्स इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन रो एक्स, और जे वाई क्या हो जाएगा, ई बाई रो वाई हो जाएगा, जे इज इक्वल टू ई बाई रो से, समझ में बात की, तो उसको उस हिसाब से डील कर लेंगे जब देखेंगे उस क्वेश्चन को, तो समझ में आया। तो जे इज इक्वल टू क्या है, ई बाई रो, और विच इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा ई, तो कहीं पे भी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, करंट डेंसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो समझ में आ गई होगी ये बात सभी को, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है बेसिकली एक फैमिली ऑफ इक्वेशन से, हम बहुत जगह पे देख चुके हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जो चीजें कंजर्व रहती हैं उसके लिए कॉन्टिन्यूटी लगती है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सिंपली जैसे मास कंजर्वेशन की भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है,
ठीक है। इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड्स के लिए हम लोगों की वॉल्यूम कंजर्वेशन की भी कंटिन्यूटी इक्वेशन देख चुके हम लोग, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू है ना। और जब कॉम्प्रेसिबल लिक्विड था तो मास कंजर्वेशन की कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी, रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू है ना। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, किसी भी बाउंड्री के लिए अगर हम बात करें तो किसी बाउंड्री के अंदर अगर तुमने किसी बाउंड्री के अंदर से मास अगर बाहर निकल रहा है तो जो मास बाहर निकल रहा है दैट शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इनसाइड द बाउंड्री, इज इट नॉट। समझ में आ रहा है, कोई भी मैंने बाउंड्री निकाली उसके अंदर से कोई कंजर्व्ड क्वांटिटी जो बाहर निकल रही तो बाहर जाने का जो रेट है दैट शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिप्लीशन इनसाइड, एज सिंपल एज दैट, इज इट नॉट। या फिर अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है तो जो अंदर आने का रेट है माइनस बाहर जाने का जो रेट है दैट इज द रेट ऑफ एक्युमुलेशन, दैट्स द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इसी तरह से चार्ज भी मेरी एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, तो चार्ज अगर कंजर्व्ड क्वांटिटी तो चार्ज के लिए भी कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी, तो जितना चार्ज बाहर जा रहा होगा दैट शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिप्लीशन इनसाइड, राइट। समझ में आती है, तो क्या लिखा मैंने अभी, रिकॉल फॉर एनी पैच डी आई क्या होता है, जे डॉट डी एस होता है करंट डेंसिटी वेक्टर। तो यहाँ पे सोचो ये मैंने एक ऐसे गॉसियन सरफेस जैसा बना लिया, यानी इमेजिनरी सरफेस है, यहाँ गॉसियन सरफेस तो पता नहीं शायद ना बोले, एक इमेजिनरी सरफेस बना लिया, इसके ऊपर एक पैच इमेजिन किया, इस पैच से कितना चार्ज बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, जे डॉट डी एस फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, राइट। किसी भी छोटे से पैच से द रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग आउटवर्ड्स इज जे डॉट डी एस, राइट। ठीक है, तो दस इफ वी हैव अ कंप्लीटली क्लोज सर्फेस तो टोटल चार्ज फ्लोइंग आउटवर्ड क्या हो जाएगा, इसका पूरा इंटीग्रल कर देंगे ओवर द एंटायर सरफेस, राइट। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू द करंट, और जो बाहर करंट जा रहा है तो अंदर जो मेरा चार्ज घट रहा होगा, यानी डी क्यू बाई डी टी इनसाइड जो है वो मेरा नेगेटिव होगा और करंट बाहर जा रहा है पॉजिटिव, तो इसलिए एक माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आई बात की नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस ओवर एनी क्लोज सर्फेस माइनस डी क्यू इनसाइड अपॉन डी टू। समझ में आया कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। अब इस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का ये तो इंटीग्रल फॉर्म है, और तुम्हें पता है कि जब भी इंटीग्रल फॉर्म होता है तो एक डिफरेंशियल फॉर्म भी हम बना ही सकते हैं, हर बार सेम रिचुअल करते हैं, क्यूब बनाते हैं उस तरफ एक तरफ जे एक्स फिर जे एक्स प्लस डी जे एक्स, ये बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। सबसे पहले कहाँ किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में किया था, जब गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म डेराइव किया था, इधर ई एक्स उधर ई एक्स प्लस डी एक्स। उसके बाद फिर अभी डायलेक्ट्रिक्स में भी किया था, यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर पी एक्स पर पी एक्स प्लस डी पी एक्स, तो वही काम यहाँ पर भी कर देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्यूबॉइड बना लिया मैंने, और इधर जे एक्स और इधर जे एक्स प्लस डी जे एक्स, ठीक है, इधर जे वाई प्लस डी जे वाई एक्सेट्रा, और इधर जे जेड और इधर जे जेड प्लस डी जे जेड, ठीक है। तो अभी क्या लिखा मैंने, बाय द वे लिखा गया है, हियर वी हैव यूज्ड द चार्ज कंजर्वेशन, दैट इज चार्ज फ्लोइंग आउट मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिप्लीशन इनसाइड द बाउंड्री। स्टेडी स्टेट कंडक्शन है, स्टेडी स्टेट कंडक्शन है तो अंदर कुछ एक्यूमुलेशन तो हो नहीं रहा होगा, अगर एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या, टोटल करंट जीरो होना चाहिए, यानी कोई भी तुमने बाउंड्री बनाई है उसके अंदर जितना चार्ज घुस रहा होगा उतना उससे बाहर निकल रहा हो, स्टेडी स्टेट कंडक्शन का ये मतलब होता है, दैट देयर इज नो नेट एक्यूमुलेशन हैपनिंग एनीवेयर। तो फिर क्या होगा, इंटीग्रल जे डॉट डी एस मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडक्शन में देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एनीवेयर, राइट। और क्या लिखा, वी कैन ऑल्सो अप्लाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर एन एलिमेंट शोन अबव। तो ये मैंने ये एलिमेंट जो दिखाया इसके लिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगा, इधर से जो बाहर जा रहा है वो क्या है, जे एक्स प्लस डी जे एक्स इंटू डी वाई डी जेड। समझ में आया होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया डीवाई डी जेड है, ठीक है, माइनस जे एक्स इंटू डीवाई डी जेड, इधर से जो है अंदर एंटर हो रहा है इधर से बाहर जा रहा है, ठीक है, प्लस यहां से क्या लिखोगे, जे वाई प्लस डी जे वाई इंटू डी एक्स डी जेड माइनस, ये समझ गए होगे, ऐसे ही मैंने जेड एक्स वाई जेड के लिए सिमेट्रिक टाइप के टर्म्स लिखे होंगे, समझ गए, साइक्लिक टर्म्स। अब इसको एक्सपैंड करोगे और यहाँ पे देखो जे एक्स डीवाई डी जेड, जे एक्स डीवाई डी जेड कैंसिल हो जाएगा, ऐसे जे वाई डी एक्स डी जेड और जे एक्स डी एक्स डी जेड ये कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात की, ये टर्म सारे कैंसिल कर आके फाइनली अगर रीअरेंज करोगे तो फाइनली यू विल बी लेफ्ट विद दिस इक्वेशन, क्या, डेल जे एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल जे वाई बाई डेल वाई प्लस डेल जे जेड बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी, यानी रेट ऑफ डिक्री चेंज ऑफ चार्ज इन साइड। समझ गए कि नहीं, कहीं पे भी चार्ज कैरियर डेंसिटी कुछ होगी ना तो चार्ज का डिप्लीशन के रेट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी को शॉर्ट में क्या लिख दिया मैंने, डेल डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी रो बाई डी टी, आया समझ में, क्लियर है। और स्टेडी स्टेट कंडक्शन में फिर क्या हो जाएगा इसका मतलब, स्टेडी स्टेट कंडक्शन में तो कहीं पे भी चार्ज ना तो एक्यूमुलेट हो रहा होगा ना डिप्लीट हो रहा होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट कंडक्शन के लिए डेल डॉट जे मेरा जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, ठीक, करंट डेंसिटी वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है वो जीरो हो जाएगा, डेल डॉट को याद करो डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ द करंट डेंसिटी वेक्टर विल बी जीरो इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट कंडक्शन, क्लियर, ओके। तो यही लिखा हुआ, फॉर स्टेडी स्टेट कंडक्शन डेल डॉट जे इज जीरो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को जैसे डाउट आ रहा है कि ये नेगेटिव साइन क्यों है यहाँ पे, तो अगर बाहर जा रहा है मेरा करंट तो अंदर में चार्ज घट रहा होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इनसाइड इज नेगेटिव एंड द करंट आउटसाइड इज पॉजिटिव, उस नेगेटिव को एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो पॉजिटिव आएगा ना,
तो अगर जे डॉट टी एस पॉजिटिव है तो और dq by dt नेगेटिव है इनसाइड के लिए, तो इसलिए एक और माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो आज की क्लास में फिर अगला टॉपिक मैं बस बता देता हूँ क्या है, क्या चीजें आगे आने वाली है क्लास में। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का किसी कंडक्टर के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट करता है, यानी बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे, जस्ट इनसाइड द कंडक्टर एंड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर जो फील्ड है उसमें क्या रिलेशन होता है। जैसे याद करो डायलेक्ट्रिक्स में भी किया था ना, व्हाट अबाउट द टैंजेंशियल फील्ड, व्हाट अबाउट द नॉर्मल फील्ड, तो वो कंडक्टर और एयर बाउंड्री पे या कंडक्टर और वैक्यूम बाउंड्री पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरह की कंडीशन होल्ड करती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बेसिकली जनरलाइज्ड ओम्स लॉ की बात करेंगे। कई बार क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा और भी फोर्सेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है। जैसे मान लो बैटरी है, तो बैटरी में तुम्हें पता है ना कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी होते हैं जो चार्ज को धकेलते हैं, जैसे केमिकल फोर्सेस जो चार्ज को धकेलते हैं। तो करंट जो खाली जरूरी थोड़ी ना कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस से ही आए, करंट कैन कम ड्यू टू द सो मेनी अदर फोर्सेस, स्यूडो फोर्स से भी करंट आ सकता है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लो कोई रिंग है, रिंग को मैंने रोटेट करना शुरू कर दिया किसी एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो तुम्हें पता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ऑयलर फोर्सेस लगेंगे, इज इट नॉट। तो ऑयलर फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो इस रिंग के रिलेटिव मूव करना शुरू कर देंगे, इज इट नॉट। तो इवन दो आई एम नॉट कनेक्टेड टू एनी बैटरी बट स्टिल देयर कैन बी करंट, समझ में आई बात की नहीं। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जा रहा है तो टैंजेंशियल स्यूडो फोर्सेस लग रहे कि नहीं, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर एक करंट आ जाएगा रिलेटेड टू द कंडक्टर। तो हम जनरलाइज्ड ओम्स लॉ की बात करेंगे जहां पे करंट्स कैन अकर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स बट आल्सो ड्यू टू द नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यानी उसको भी हम चार्ज पर फोर्स पर यूनिट चार्ज में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना, स्यूडो फोर्स पर यूनिट चार्ज निकाल सकते हैं, तो उसकी यूनिट्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली हो जाएंगे। तो वो सब बात करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो ठीक है, ओम्स लॉ के कुछ कुछ वेरियंट्स हम देखने वाले हैं, एंड आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ये डेल डॉट जी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो थोड़ी सी इन्वॉल्व थी आज की क्लास, मैंने काफी चीजें बोली हैं, तो एक बार फिर से स्पेशली वो जो पार्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पार्ट थोड़ा सा सोचो इंटेलेक्चुअल, मतलब ठीक है नहीं भी सोचोगे तो दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम्स तो सारी वैसे ही सॉल्व कर लोगे, बट थोड़ा सा यही है कि स्टैटिस्टिकल विजडम डेवलप होगी। ठीक है, तो वो सोचना, और दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच।